दोस्तों, आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पुराने हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिनकी स्टोरी से लेकर हर एक चीज आपको परफेक्ट मिलने वाली है। और ये सभी वेब सीरीज आप बार बार भी देखें तो आप बोर नहीं होंगे। किसी दूसरे औरत के इन्वॉल्वमेंट का अंदेशा। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में, और इन सभी वेब सीरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। मजबूर के साथ अत्याचार किया। नंबर 10, मियां बीबी और मर्डर। सीरीज बेस्ड है कॉमेडी, क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक पुलिस वाले के घर में ही एक डेड बॉडी पाई जाती है, और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पुलिस किसी भी तरह से इस डेड बॉडी को छिपाना चाहती है, और लास्ट तक वो इस डेड बॉडी को किस तरह ठिकाने लगाती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर पर, और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 9, मौका या धोखा। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे शादीशुदा पति से जो कि अपनी ही पत्नी को मार देना चाहता है, लेकिन उसके मारने से पहले ही उसकी पत्नी को कोई और मारकर चला जाता है, और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। कंप्लीट सीरीज में इसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं हंगामा ओरिजिनल पर, और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 8.4। नंबर 8, चरित्रहीन। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी में आप देख पाएंगे एक ऐसी औरत को जो कि अपने पति के साथ साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, लेकिन लास्ट तक इस औरत का अंजाम क्या होता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं होजे ओरिजिनल पर, और इसे आईएमडीबी रेटिंग दी है 10 में 5। नंबर 7, मंदार। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है एक ऐसे छोटे से गांव में जहां पर जमींदार और पुलिस वालों का ही दबदबा चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी भी फैमिली होती है जो कि इन सब के ऊपर जाना चाहती है, और लास्ट तक ये फैमिली अपने आप को सबसे बड़ा बनाने के लिए क्या क्या करती है यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर, और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 6, अपहरण। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है इंस्पेक्टर रुद्रा से, जिसे एक किडनैपिंग की टास्क दी जाती है। इंस्पेक्टर रुद्रा किडनैपिंग तो कर लेता है, लेकिन अचानक से ही उसे पता चलता है कि जिसे उसने किडनैप किया था उसकी मौत हो चुकी है। इंस्पेक्टर रुद्रा किसी भी तरह से अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहता है, और लास्ट तक वो अपने आप को किस तरह बेकसूर साबित करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर, और इसे आईएमडीबी रेटिंग दी है 10 में 8.3। नंबर 5, अनदेखी। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है पापा जी से, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर है, लेकिन इसी बीच उनके घर में शादी की पार्टी हो रही होती है, लेकिन अचानक से ही पापा जी एक डांसर को गोली मार देते हैं, और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पुलिस किसी भी तरह से पापा जी को पकड़ना चाहती है, लेकिन लास्ट तक पुलिस पापा जी को पकड़ने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिप पर, और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.9। नंबर 4, आश्रम। सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक ऐसे आश्रम को दिखाती है जहां पर बहुत सारी इलीगल कामों को अंजाम दी जा रही होती है, लेकिन लास्ट तक पुलिस इस आश्रम का पर्दाफाश करने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है एमएक्स प्लेयर पर, और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 6.6। नंबर 3, धनानम। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है एक ऐसे छोटे से गांव में जहां पर जमींदारों और कुछ सत्ताधारी नेताओं का राज चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी होते हैं जो कि इन्हें मार देना चाहते हैं और गांव में शांति लाना चाहते हैं, और लास्ट तक ये अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करते हैं ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है एमएक्स प्लेयर पर, और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 2, डॉक्टर अरोरा। सीरीज बेस्ड है कॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी आपको मिलाती है एक ऐसे डॉक्टर से जो कि गुप्त रोगी विशेषज्ञ है। उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन अचानक से ही वो एक बड़ी मुसीबत में भी पड़ जाते हैं, और उस मुसीबत से वो किस तरह बाहर निकलते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिप पर, और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 1, मस्तराम। सीरीज बेस्ड है कॉमेडी एंड ड्रामा
एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे राइटर से जो कि पहले तो अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिख रहा होता है, लेकिन अचानक से ही वो कुछ ऐसे भी नॉवेल्स लिखना शुरू कर देता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। और असल में ये नॉवेल किस तरह की होती है ये तो आपको सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं MX प्लेयर पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।